गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट ए चैप्टर फिफ्थ फ्रॉम योर इंग्लिश बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेनिंग विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री को प्राप्त करना है ना। इसका जो थीम है वो सक्सेस है, कि कैसे आप जब होपलेस हो जाएं तो आप किस किन कामों को कर होप प्राप्त कर सकते हैं ना, उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं जब प्रॉब्लम्स में हैं आप। तो इसका जो किक स्टार्ट है वो लिखा है, गेनिंग विक्ट्री रिटन बाय पोइट स्यू फॉकनर इज़ अ पोएम अबाउट हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑन वन नेवर फॉरगेट दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। गेनिंग विक्ट्री का जो रिटन यानी लिखी गई है, स्यू फॉकनर के द्वारा लिखी गई है, ये पोएम है कि कैसे इम्पोर्टेंट है दैट वन नेवर फॉरगेट, कि प्रत्येक को नहीं भूलना चाहिए दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ, कि वे कंट्रोल में है अपनी खुद की लाइफ से। Although little is known about the life of the poet, हालांकि थोड़ा थोड़ा जाना जाता है, little is known about the life of the poet. The beautifully written poems takes us through the hopes, हमें कहाँ ले जाती, hopes के लिए ले जाती, despairs, हमारे जो despairs हैं, ठीक है, and eventual realizations of the poet हैं। The pain is present every day. पेन जो है, दर्द जो है, वो हर दिन प्रेजेंट होता है। अनयील्डिंग ऑप्रेसिव स्टिल देयर ना, नॉट गिविंग अप, मतलब किसी चीज़ को ना गिव अप करना, चलते जाना। ऑप्रेसिंग है ना, ट्रीटिंग अनफेयर, ऑप्रेसिंग का मतलब है अजीब गलत तरह से किसी को ट्रीट करना। स्टिल देयर, व्हाई डजंट इट टेक अ डे ऑफ, क्यों वह एक छुट्टी नहीं ले लेता है ना, एक दिन क्यों कम नहीं हो जाता, हमेशा बना रहता है। Who said life is always fair? कौन कहता है कि life हमेशा fair करती है? I began to count my losses. मैंने शुरू कर दिया है अपने loses को count करना। Labored through my grief. मतलब कई सारे जो effort हैं उनके through my life, my body, my ego and vandalized by this thief. इस thief, इस जो दुख है, इस pain ने द्वारा सब कुछ destroy कर दिया है। I felt alienated from other, though so vital, healthy and tamed, while I was despondent alone. कहते हैं आई फेल्ट एलियंटेड फ्रॉम अदर, इसका मतलब है जो लोग हैं, आपस के लोग हैं, उनसे दूर हो जाना है ना, मतलब हर चीज़ से दूर हो गई हूँ मैं। दोस्तों बिटाल, जो हेल्दी एंड टेंड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्दी एंड टेंड है। While I was despondent alone, और जबकि मैं बिल्कुल क्या हो गई हूँ, sad हो गई हूँ, अकेले sad हो गया हूँ या हो गई हूँ। An alien in my own homeland, और मेरे घर में एक alien घुसाया है, that is called pain, sadness, जो भी है। For while I wallowed and floundered, मतलब मैं क्या करती हूँ, wallowed करती हूँ, मतलब कुछ ऐसा करने की जिससे मुझे सिंपथी मिले दूसरों की, है ना। वेलोड का मतलब होता है टू गेट सिंपथी। फ्लॉन्डर्ड मतलब ये जानने की कोशिश करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए। किक्ड बाय द फुट ऑफ द फेट, देन वन डे आई पास अ मिरर एंड सेड, मैं मिरर के पास से गुजरी और मैंने कहा, दिस इज़ योर लाइफ, इट इज़ गेटिंग लेट, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम इसमें देर कर चुकी हो। सडनली दैट्स वैन इट हिट मी, मुझे एकदम से हिट करती है। आई हैड इनफ ऑफ दैट पिट, मेरे पास काफ़ी कुछ है इस पिट में। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी अराउंड इंस्टेड ऑफ मी लिविंग इट, मेरी जो लाइफ है मुझे लीड कर रही थी चारों तरफ से, इंस्टेड ऑफ मी लिविंग इट, मतलब मुझे रहने के अलावा की जगह पर वो मुझे लीड कर रही थी। आई बिगेन टू लुक फॉर सोल्यूशंस, इफ दिस पेन इज ऑलवेज टू बी, आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ। आई बिगेन टू लुक फॉर सॉल्यूशन, मैंने शुरू किया सॉल्यूशंस को देखना। इफ़ दिस पेन इज़ ऑलवेज टू बी, अगर ये हमेशा ही रहना है इसको, आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ, मुझे कुछ होप आशाएँ ढूंढनी होंगी मेरी लाइफ में। इन प्रजेंट आई लॉन्ग टू बी फ्री, मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी और इन चीज़ों से बाहर निकलूँगी। आई टुक अ पर्सनल इन्वेंट्री, मैंने कुछ लिस्ट बनाई ऑब्जेक्ट्स की, ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, जो मैं छोड़ चुकी हूँ। Gradually I stopped asking why, और मैंने पूछा खुद से कि क्यों, and began feeling less bereft, है ना, और मैं कैसे फील करने लगी,
bereft, having lost something, जैसे मैंने कुछ खो दिया है. Instinctively I reached out to joy, मतलब naturally मैं पहुंची कहाँ पर, खुशी पर, क्योंकि मैंने अब वो चीज़ें बुलाना स्टार्ट कर दी. Laughter felt so delicious inside, है ना, laughter जो आ रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अंदर की तरफ से, as I rippled through my body, क्योंकि मैं अब अपनी बॉडी में स्ट्रांग फील कर रही हूँ. Bringing its healing tide, I have learned to love each day, even the dark side of my and strife. मैं हर एक दिन से सीखना स्टार्ट किया मैंने, एंड इवन द डार्क साइड एंड स्ट्राइफ, भले ही वो दिन बुरा हो या कैसा भी हो. फॉर हिडन विद इन द हर्ट एक इज अ सीड ऑफ रिन्यूअल कॉल्ड लाइफ. फॉर हिडन विद इन द हर्ट एक इज अ सीड ऑफ रिन्यूएबल, मतलब जब आप रिन्यूएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी और सिचुएशन जो फिर से एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप बिगिंस अगेन, हाँ, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से वो शुरू हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ. इन्होंने ऐसा कहा है. पोइट जो थी वो थी स्वी फॉकनर वुड, पूरा नाम है उनका. तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं. इसमें लिखा है लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फेयर बैड एंड लवली. लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फेयर, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फेयर, इसका करेक्ट आंसर है. कहते हैं कि एन अनहैप्पी पर्सन बिकम्स इरीटेटेड एलियनटेड स्ट्रांग. कैसा बन जाता है, एलियनटेड हो जाता है वो, एलियनेटेड. एलियनेटेड का मतलब क्या होता है, हर चीज़ से दूर हो जाता है. द पोएम स्टार्ट विद एन एक्साइटिंग टोन, रिदमिक टोन, अनहैप्पी टोन. कैसे स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है अनहैप्पी टोन से. द पोइट वॉज लीडिंग अ लाइफ ऑफ कन्फाइनमेंट, एलियनटेशन, एलियनेशन इन प्रेजेंट इन हर इमोशंस. किस तरह की वो लाइफ जी रहा है, तो वो इम प्रेजेंट इन हर इमोशंस, अपने इमोशंस में ही बंद होके जी रहा है वो. द पोइट वॉन्टेड टू फाइंड द हैप्पीनेस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, लव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, है ना. नंबर सिक्स है, एट द एंड ऑफ द पोएम द पोइट अगेन स्टार्टेड टू लव एनिमल्स, नेचर और हर लाइफ. अपनी लाइफ को फिर से वो स्टार्ट कर देता है प्यार करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो बी है आपका, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. ये आपका वर्क है. राइमिंग वर्ड्स बहुत इजी होते हैं, जैसे देयर का वेयर, है ना, ग्रीफ का ब्रीफ, तो ये आपको लिखने इजी होते हैं. फिर नंबर सी है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम. जो सी नंबर की जो पोएम है, सी नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम. आपको ये लाइंस जो हैं पोएम को रीड करके कंप्लीट करनी है. पोएम की ही कुछ लाइन है जो आपको पढ़कर कंप्लीट करनी है. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन आंसर्स हैं. लिखा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, एक्सप्लेन. जो पोएम की जो थीम है वो क्या है. दिस इज़ अ मोटिवेशनल पोएम विच शोज द डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. ये एक मोटिवेशनल पोएम है जो अप्स एंड डाउन्स को बताती है लाइफ के. इट सेज दैट होप एंड स्ट्रॉन्ग विल कंटेन द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. ये कहती है कि होप और स्ट्रॉन्ग विल, मतलब एक मजबूत इच्छा, हर चीज़ का सॉल्यूशन है. लुकिंग बियॉन्ड डार्कनेस टिल द रे ऑफ लाइफ लाइट इज विजिबल टू एनलाइटन योर पाथ इन द इज द की. मतलब आप डार्कनेस से हटकर आप जो उजाला है, जो ब्राइट साइड है आपकी लाइफ की, उधर देखें जिससे आप आगे बढ़ेंगे. विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर वन कैन हैंडल ऑल सिचुएशंस एंड इमर्ज विक्ट्रीज. मतलब अपने खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस से और विल पावर से, इच्छा शक्ति से, आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं. नंबर सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ परफेक्ट लाइफ. आपके लिए परफेक्ट लाइफ क्या है. तो अ परफेक्ट लाइफ मे बी अ फैसिनेटिंग टर्म एज एवरी वन फेसेस लोज एंड हाइज इन लाइफ. जॉय एंड सैरो आर टू डिफरेंट साइड ऑफ अ कॉइन. मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं. एक जीवन में दुख भी होंगे और सुख भी होंगे, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू फेस प्रॉब्लम्स विद करेज एंड फाइंड सॉल्यूशन, अगर आपने साहस के साथ उन प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया लाइफ के, तो यू आर अ विनर. आप क्या होंगे, आप विनर हैं. सो टू मेक लाइफ परफेक्ट, मेक द बेस्ट ऑफ इट. अगर आपको लाइफ अच्छी बनानी है तो आप इसका बेस्ट करें. लाइव लव हेल्प एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड. जो लिव यानी रहना है, प्यार है, मदद है, वो क्या करता है, चारों तरफ हैप्पीनेस स्प्रेड करता है. क्वेश्चन नंबर थ्री है, लिखा है हाउ कैन वी फाइंड होप इवन इन द एडवर्स सिचुएशन. मतलब जो अच्छी सिचुएशन ना हो, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे
आशा लाएंगे, कैसे अच्छे काम अपने आप को रोक पाएंगे आप बुरी कंडीशन में फिर भी। कहते होप इज़ अ मैजिकल वर्ड विच विस्पर्स सक्सेस इन अवर ईयर्स, जो हमारे कानों में सक्सेस का मंत्र फूकता है। इट हेल्प अस फेस ऑल द नेगेटिव सॉल्यूशन, ये हमारी मदद करता है सारे नेगेटिव सॉल्यूशंस को फेस करने में। फिर लिखा है हाइडिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स कैन एवर गिव एनी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम से बचना कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन इटसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना है और उस सॉल्वम जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको लड़ना है, उसको फेस करना है। ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस एंड विद इन सेल्फ इज़ द ओनली वे टू, बिकॉज देयर इज़ अ होप फॉर सक्सेस, क्योंकि वहाँ एक हमेशा आशा रहेगी आपकी सक्सेस की, जीतने की। अगर आप उससे हार ही गए हैं पहले से तो आप हार ही गए हैं, लेकिन आप जब किसी चीज़ से खेल रहे हैं, मान लीजिए आप हार रहे हैं किसी टीम से, लेकिन आपने कहा अरे अब तो जीत ही जाएगा जी सामने वाली टीम, लेकिन वहाँ तो आपने पूरी हार ही कर दी, लेकिन आप अगर खेलेंगे तो लास्ट तक अंत तक आपको जीतने के चांसेस रहेंगे। तो जीतना लड़ने के बाद ही आता है, आप हार गए तो फिर तो हार ही गए। तो विच आर योर फेवरेट लाइन्स इन द पोएम एंड वाई, गिव सटेबल रीजंस। द लास्ट फोर ऑफ द लाइन्स पोएम आर मी फेवरेट एज दे स्पेल सक्सेस, चार जो लाइन थी लास्ट की वो सक्सेस के बारे में बताती हैं, इसलिए वो मेरी फेवरेट लाइन है। इट हेल्प अस हैप्पीनेस एंड होप, द पोएटेस इज कन्विंस दैट, जो पोएटेस हैं उन्हें कन्विंस किया है दैट होप एंड स्ट्रॉन्ग विल कैन हेल्प वन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, वो जो होप हैं और आपका जो विल है वो क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पेन इज़ प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो दर्द है वो हर जगह फैला हुआ है, कोई चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो या कैसा भी हो, हर जगह पेन है, दर्द तो हर जगह, मुसीबत हर जगह आती है। वन मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट, सभी को क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। एंड इट ट्राई टू रिसॉल्व इट एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और मतलब इसको ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंड अ सैड लाइफ, क्या अंतर है एक हैप्पी और सैड लाइफ में। ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम गिव योर व्यूज, आपको पोएम के बेसिस पर व्यूज देने। कहते हैं अ सैड पर्सन्स लाइफ इज डिप्रेस्ड, सैड पर्सन की जो लाइफ होगी वो डिप्रेस्ड होगी, अनकंफर्टेबल होगी, फुल ऑफ एंजाइटी होगी एंड सैडनेस होगी, लेकिन इट सीम्स लाइक अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे कांटों के बिस्तर की तरह लगेगी। नेगेटिव थॉट्स मेक वन लॉस कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर भी उसका कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि दिन भर वही नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। कहते हैं लाइफ एंड ईगो, लाइफ हैज़ नो एक्साइटमेंट नो चार्म, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, नो कोई चार्म नहीं रहेगा लाइफ में, कोई मज़े ही नहीं रह जाएगा। लेकिन बट अ हैप्पी लाइफ इज़ पॉजिटिव, हैप्पी एंड जॉयफुल एज दे अंडरस्टैंड डे इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय नाइट, है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि नाइट के बाद, रात के बाद फिर से सुबह होगी और हम फिर से हमारे साथ अच्छा होगा। तो बैड सिचुएशन आर और प्रॉब्लम्स आर श्योर टू इम्प्रूव, सो लिव एवरी मोमेंट विद कंटेंटमेंट। अगर आपके जीवन में क्या होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सुख क्या होता है। जैसे गर्मी लगने के बाद ही हवा को खाने के मज़ा आता है, जैसे भूख लगने के बाद ही खाना खाने में मज़ा आता है, ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम्स के बाद जो आपके साथ हैप्पीनेस आएगी ना, उसको लेने में मज़ा आएगा। नहीं तो आप हैप्पीनेस पता ही नहीं चलेगा कि ये हैप्पीनेस है कि नहीं, अगर दुखी नहीं देखा है तो। आपको हर एक चीज़ को कंपेयर करना में ही मज़ा आता है, आप जब चीज़ को कंपेयर करेंगे तभी, जैसे आपको प्यास लगी है बहुत तेज तभी आपको पानी सबसे टेस्टी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा अगर आपको प्यास ही नहीं लगी है तो। इसीलिए प्रॉब्लम्स अगर हैं तभी आपको जो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ की वो अच्छी लगेगी। कहते हैं टुमारो नेवर कम्स एंड टुडे इज़ द टाइम टू लिव एंड लेट लिव, कल कभी नहीं आता और आज का ये समय है जीने का और सब कुछ अच्छा करने का। नंबर सिक्स है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब क्या है। कहते हैं रिन्यूअल मीन्स कमिंग आउट विक्टोरियस, है ना, मतलब विक्ट्री के साथ वापस आना। वन मस्ट लर्न टू लिव ईच डे व्हेन ए डार्क साइड एंड डिसएग्रीमेंट फॉर विद इन अवर हार्ट एक वी कैन फाइंड क्योर कॉल्ड लाइफ। कहते हैं कि हमें हर चीज़, हर किसी को ये सीखना चाहिए, अपने हर एक दिन को प्यार करना चाहिए, चाहे वो उस दिन सबसे गंदा दिन रहा हो, फिर भी उसको उस दिन प्यार करना चाहिए। लाइफ इज़ टू बी लिव्ड, लाइफ को जिया जाना चाहिए। लिव्ड इट लाइक अ हैप्पी ओकेशन,
मतलब उसको ऐसे जियो जैसे वो एक खुश खुशहाली भरा ओकेशंस है। फेस द ऑड्स स्माइलिंग एंड एंजॉय योर शेयर ऑफ सनलाइट, मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उनको फेस करो और उसके बाद जीत कर खुशियाँ लाओ अपने जीवन में। नंबर ई है, कहते हैं डू यू थिंक दैट द पोएम इज एन इंस्पिरेशन टू द पीपल हु आर सैड विद देयर लिप्स एंड फाइंड एवरी थिंग बैड अराउंड देम। कहते हैं कि आप क्या आप सोचते हैं कि जो पोएम है वो एक इंस्पिरेशन है टू द पीपल, लोगों के लिए, हु आर सैड, जो सैड हैं, विद देयर लिप्स एंड फाइंड एवरी थिंग बैड अराउंड देम। विद देयर लिप्स जो सैड हैं एंड फाइंड एवरी थिंग बैड अराउंड देम, डू यू थिंक द पोएम, हाँ मतलब उनके लिए इंस्पिरेशन है जो लोग दुखी हैं या ऐसा सोचते हैं कि उनके चारों तरफ से दुखी दुख है। तो पढ़ लेते हैं, कहते हैं यस इंडीड दिस इज़ अ मोटिवेशनल पोएम, पीपल यूजुअली बिकम सैड बाय कंपेयरिंग देमसेल्फ टू अदर। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं, अरे वो खुश है, वो दुखी है, ऐसा करके। दे ऑलवेज थिंक वाई अदर्स आर सो हैप्पी, हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग क्यों खुशी हैं, हेल्दी एंड विटाल वाइल ही इज सैड एंड अनसक्सेसफुल, जबकि वह दुखी है और अनसक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाले भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, तो अगर हम खुश हैं तो सामने वाला भी खुश है, ऐसा होता है। ही इज जस्ट एक्साइटिंग एंड नॉट लिविंग, बट देन कम्स इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन एंड सी रियलाइजेज दैट नाउ इज द टाइम टू लिव हर लाइफ टू द फुलेस्ट, सो लुक फॉर सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम्स। वो क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो कहेगा अरे देखो तुम तो बड़े खुश हो, हमारे साथ ही प्रॉब्लम आती रहती हैं। लेकिन वो ये नहीं करता कि अपनी प्रॉब्लम से लड़े। आप क्या है, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना तो आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ें, ना कि दूसरों को देखें कि वो खुश है। आप भी जब अपनी प्रॉब्लम से जीत जाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे। तो सो लुक फॉर सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम्स, फाइंड होप इन हर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस हाउ लाफ्टर फेल डिलीशियस एंड वार्म सनशाइन। और अपनी लाइफ में जो है आशाएँ रखनी चाहिए, है ना, खुश कैसे रहें, खुशी कैसे लाएँ, वो याद रखनी चाहिए, है ना। नंबर सेकेंड है, नेक्स्ट है आपका एफ क्वेश्चन, कहता है इन द स्टोरी यू हैव कम अक्रॉस द कलेक्शन स्लाइटेस्ट नोशन, आइडेंटिफाई फाइव अदर कलेक्शन फ्रॉम द पैसेज। कहते हैं कि इन द स्टोरी यू हैव कम अक्रॉस ऑफ कोलोकेशन, है ना, आप कई सारे कोलोकेशंस जो हैं उनके साथ में आए, जो स्लाइटेस्ट नोशन होते हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को, तो आप कैसे बताने, लाइक जैसे लेस, बेरेफ्ट, आउट ऑफ जॉय, गेटिंग लेट, लुक फॉर सॉल्यूशन, लॉन्ग टू बी ईच डे, ये सारे क्या हैं, ये कोलोकेशन है। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जी नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन सर्कल ऑड वर्ड इन दीज वर्ड्स एंड गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। नंबर वन क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको जी का, इसमें लिखा है वर्शिप, किनशिप, फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप। देखें आप पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप और किनशिप और वर्शिप, चार आपको इस तरह के एक वर्ड हैं, आप में डिफरेंट है वो बताना है। तो डिफरेंट है इसमें वर्शिप, है ना, वर्शिप क्या है कि पूजा के बारे में, भगवान के पूजने के, अडोर करने के बारे में। लेकिन बाकी जो हैं किनशिप, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप, ये मित्रता के बारे में, दो लोगों के जुड़ने के बारे में। तो इसलिए लिखा है सिस्टरहुड, नेबरहुड, पेरेंटहुड और मदरहुड। जैसे सिस्टरहुड, पेरेंटहुड और मदरहुड है तो ये क्या बताता है, आपकी फैमिली को बताता है। लेकिन जो नेबरहुड है वो क्या है, फैमिली के बाहर की बात, लोगों के बारे में बताता है। सो द करेक्ट आंसर इज नेबरहुड। इसी तरह से आपको ये कर लेने हैं। लिखा है मैच द वर्ड्स इन द टू कॉलम्स फॉर्म द कोलोकेशन। कोलोकेशन बताने के लिए आपको इनके वर्ड्स को मैचिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट है यूजफुल, इसका क्या होगा, रिमार्क्स। एगोनिशिंग का मतलब है, एडवाइस करना। मेमोराइज का मतलब है फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेमोराइज करना होता है। स्पाइटफुल का मतलब है शेम, है ना, शर्म। होपलेस का मतलब होगा सिचुएशन, है ना, कि होपलेस एक सिचुएशन है। क्राइंग का क्या है, ओवर अ डिसीजन, किसी डिसीजन पर क्राइंग करना, दैट इज़ कॉल्ड। ये सारे इसके कोलोकेशंस हैं। अब आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करना है। जैसे एस्टोनिशिंग है तो इसका एस्टोनिस हो जाएगा, ठीक है। टॉलरेबल है तो टॉलरेट हो जाएगा। अच्छा,
टॉलरेबल का टॉलरेंस होगा, इमेजिनेटिव है तो इसका इमेजिनेशन हो जाएगा, आर्टिस्टिक है तो इसका आर्ट हो जाएगा, कॉस्मिक है तो इसका कॉस्मोस हो जाएगा, एक्टिव का है तो उसका हो जाएगा एक्टिव ही रहेगा, एक्टिव और एक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन एक ही है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं ये आपको करने थे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ अगर आप समझ पाएँ तो। क्वेश्चन नंबर जे को देखेंगे। रीता वॉज श्योर शी वुड विन, आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जे पर कहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर जे का फर्स्ट है और इसके आगे लिखा है बिगिन वॉजेंट रिया। आपको जो बिगिन करना है वो कहाँ से करना है, वॉजेंट रीता से। आपको ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, वॉजेंट रीता से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वॉजेंट रीता श्योर शी वुड विन। बस आपको इतना अलग कर देना है, क्लियर है। आपको जो जो बोला है, जैसे बिगिन लिखा है दिस इज, तो आपको इज दिस द वे लिखा है तो आपको लिख देंगे दिस इज़ द वे टू गुड वे गुड पर्सन शुड बिहेव। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा वॉजेंट रीता श्योर, क्या रीता श्योर नहीं है कि वो जीतेगी। अब लिखा है इजेंट इट टेरिबल दैट द गार्बेज हैज़ नॉट बीन रिमूव्ड, इसको इट इज़ से करना है तो इट इज़ नॉट टेरिबल, क्या आएगा इट इज़ नॉट टेरिबल। आपको जैसे जैसे वर्ड स्टार्ट करने को कहा गया है आपको बस उसी तरह से कर लेना है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर अल्फ़ाबेटिकल आपको ऑर्डर में जमाने हैं कुछ शब्द, जैसे आप देखेंगे एज्यूम एम्यूज असिस्ट और असोल्ट। क्वेश्चन नंबर के आई थिंक इसमें आपको फर्स्ट दिया है एज्यूम एम्यूज असिस्ट और असोल्ट। आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करना है, जैसे कि देख पाएंगे आपको देखना है कि ए आ रहा है इन सब में, ए आ रहा है पहले, इसके बाद इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, तो एम पहले आता है या एस, तो एम आता है आई थिंक एम एन ओ पी क्यू आर एस होता है, तो एम्यूज पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा एम्यूज, ठीक है। इसके बाद इन तीनों में तो ए डबल एस है, इसके बाद देखेंगे यू है इधर, इधर आई है, इधर ए है, तो ए पहले आएगा, फिर आएगा असोल्ट, क्या आएगा असोल्ट, और इधर आई है फिर आई आएगा असिस्ट, फिर इधर यू था तो आ जाएगा एज्यूम। तो इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जमाना है। बाकी के दो क्वेश्चन हैं आपको डिस्कस करना है, इशूज़ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के बारे में, देयर प्रॉब्लम्स है ना, और बताना है वो कैसे उन्हें हैंडल कर सकता है, मतलब ये क्लास में हो सकता है या आप अपने फ्रेंड्स के साथ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएं और इस पर बात करें। तो इस तरह से जो आपका ये चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है, ठीक है, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।